Happy Independence Day, सर। सब बताइए तो ये बच्चे कौन सी क्लास के हैं? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? सेजल। और तुम्हारा? रेनू। तुम सब प्रश्न क्यों क्या तेरा बच्चा कौन लेते हैं? तो तुम बताओ मुझे कि बाकी क्लासरूम में और इस क्लासरूम में क्या है? हम इस क्लासरूम में कब आए? नाइन्थ से ये कमरा है हमारा, तो इसमें क्या खास है? और वो जैसे देखो वैसे जाएंगे साथ ही जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय गोयल साहब, एमएलए साहब। जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल लिख रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। और असीम गोयल की खा रहे हैं जो आपने खिलाया सब लड्डू खिला रहे हैं बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर, बस यही काम नहीं कर सकते हम हम चाय और लड्डू नहीं आपके साथ शेयर कर सकते, बाकी सारे काम किए जा सकते हैं यहाँ से। जी जी कालिया सर दसो। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे वर्चुअल क्लासरूम में और सभी अतिथिगणों का। ये सर वर्चुअल क्लासरूम का प्रोग्राम गोयल साहब की वजह से शुरू किया गया 25 अक्टूबर 2015 को, और इस कार्यक्रम में हमने बच्चों को जो 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे आते हैं इन सब बच्चों को यहाँ पर साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाता है। इस साल से हमने थोड़ा सा इंग्लिश पर भी जोर देना शुरू किया है। गोयल साहब ने हमें एक निर्देश दिया था कि बच्चों को इंग्लिश समझने में पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, तो हमने इस बार थोड़ा सा इंग्लिश पर भी ध्यान दिया है ताकि बच्चों को इंग्लिश और सॉरी साइंस और मैथ्स को अच्छी तरह से समझने में थोड़ी सी और सहूलियत हो जाए। अब इस प्रोग्राम से बेसिकली हम बच्चों का कंसेप्चुअल बेस बढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चों को जो आगे उनकी एस्पिरेशंस हैं टू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और साइंस टीचर्स, और यही क्लास है जिन बच्चों को हम एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं ताकि बच्चे आगे जाके इन प्रोफेशंस में एक्सेल कर सकें। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए जी 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 सर, आप चंडीगढ़ से ये पढ़ा रहे हैं? जी जी। हरियाणा में ऐसे कितने क्लासरूम हैं जिनमें ये शिक्षा आप दे रहे हैं? सर ये 3 क्लासरूम हमने अभी अंबाला जिला में ही शुरू किए हैं। एक तो ये क्लासरूम हो गया, एक प्रेमनगर में है गवर्नमेंट स्कूल में, और एक ननिउला में है। ये तीनों गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं और इन सभी स्कूलों में करीबन जी आज आप विज्ञान का चैप्टर पढ़ाने वाले जी जी मैथमेटिक्स जी जो आप कहें सर हमारे पास छुट्टी है आपको 15 अगस्त बिल्कुल 15 अगस्त है। बहुत हम अंबाला के जी क्लासरूम में आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में वर्चुअली क्लासरूम जी संख्या हम बढ़ाएंगे। एक मिनट के लिए जो टीचर है ना जी सर, उनसे एक बार बच्चों को इंटरेक्शन सिर्फ एक हाँ थोड़ी सी बच्चों की इंटरेक्शन सर। एक वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर हमने एक लेक्चर तैयार किया है, तो मैथ्स की मैडम है हमारे, वो बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। आइए। थैंक यू। नमस्कार। हाँ जी बच्चों,
आप सबको ये मालूम है कि मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है दो चीजें, क्वेश्चन को समझने में और उसके बाद कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, आती है। चलो आज हम कुछ तरीके सीखेंगे बिल्कुल आसान आसान, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी आसान हो जाती है। ठीक है जी, तो हमने शुरू करना है कुछ चीजें वैदिक गणित से। बच्चों अगर मैं आपको बोलू, पेन कॉपी है ना सबके पास? नो मैम। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पे जा सकता है कोई बच्चा? बोर्ड पे जा सकते हैं। बीइंग स्टूडेंट ऑफ दिस वर्चुअल क्लासरूम, मे आई आस्क ए क्वेश्चन? यस सर। दैट द डिजिट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय सो मेनी 9, द एडिशन एंड द मल्टीप्लीकेशन इन द लास्ट, द कैपिटल जो एडिशन है वो अंत में नो आता है, व्हाई इट इज सो? सर आप प्लीज अपना क्वेश्चन वापस से रिपीट करेंगे। ये जो नो का अंक है इसको अपने उसमें पूर्ण अंक कहा गया है, नो के अंक से नो 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 कितनी ही बार नो को नो से जन्म दे दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन द लास्ट द टोटल नंबर इज 9। नो का पहाड़ा नो जी, मैं समझ गई, जैसे आप आपको 81 कर दी, इसके अंकों को जमा करेंगे तो उससे नो आएगा, नो चिका 46, मतलब ये नो नो 81, इन द लास्ट इट इज 9। हाँ जी, व्हाई इट इज सो? अब ये तो सर ही बताएंगे, सर भी टीचर, सर ये पूर्णांक ये सर अच्छा समझाएंगे, ये तो आप ही बता सकते हम सबको, ये हम भी सीख के जाएंगे। ये हिंदुस्तान का जो गणित है, हिंदुस्तान का जो अर्थशास्त्र है मैडम, उसमें 9 के अंक को पूर्ण अंक कहते हैं। हाँ जी, ये तो इसका डिवीजन नहीं हो सकता, इसके साथ कितना ही 9 को गुणा कर दीजिए अंत में ये 9 है, 9, और इसको शुभ माना जाता है क्योंकि इसका खंडन नहीं हो सकता, इसका मंडन हो सकता है, इसलिए ये 9 का अंक हमारा पूर्ण अंक है। आज के लिए इतना ही, कल क्लासरूम में बच्चों आओगे, आप सबका कालिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चों को सब लड्डू बांटिए, जिला अध्यक्ष जी, हाँ ये मोबाइल सबको लड्डू बांटिए। पढ़ के गजब महसूस हो रहा है, कुछ हम रूट पे कर रहे हैं। जो पीटी के बाद बच्चों ने घूमाया था गाना सारे नंबर नोट करा दो कालिया जी, अभी तो
किसने इनकी जो आकाश फिटकी है वो वाली फैकल्टी बढ़ाई है आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर पिछले साल दी पर दिए नहीं।